नानो आपकी मेडिसिन। हाँ रख, तो मैं खुद से ले लूंगी। आप भी मुझे कसूरवार समझ रही हैं? आपको क्या लगता है मैंने उस लड़के को बुलाया था? मेरा उस लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है? मैं आपसे बात कर रही हूँ नानो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता वो लड़का कब और कैसे मेरे कमरे में आ गया। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है नानो। मैं उसको सिर्फ हॉस्पिटल तक जानती थी जब वो आपसे मिलने आया था एक्सीडेंट के बाद। तो फिर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? उसने तो अस्पताल में घर का नंबर लिया था। उमर ने भी तुम्हारा मोबाइल देखा था। तुम्हारे मोबाइल में उसका नंबर डायल हुआ था। क्या तुम्हारी आज उससे बात हुई थी? जी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। उसने सिर्फ आपकी तबीयत मालूम करने के लिए मुझे कॉल की थी। अगर उसको मेरी तबीयत पूछनी थी तो घर के नंबर पे फोन करता, तुम्हारे मामू से बात करता। तुमसे क्यों बात की उसने? आपको क्या लगता है नानो, आपकी आदिया गलत है? खामोश क्यों है नानो? नानो देखे, मुझे दुनिया चाहे जो भी कहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी नजरों में मुजरम नहीं बन सकती। आपको भी मेरा पता है, अगर मैंने वाकई कोई गलती की हो तो आप बेशक मुझे सूली पर चढ़ा दें, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन जो गलती मेरी नहीं है, मैं उसके लिए आपके सामने मुजरम नहीं बन सकती नानो। आप तो मुझे जानती है ना, इन्हीं हाथों को पकड़ के मैंने चलना सीखा है। क्या आपको लगता है कि आपकी हादिया किसी गलत राह पर कदम रख सकती है? अपने दिल पे हाथ रख के बोले नानो कि आपकी हादिया गलत है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। मेरे अल्लाह, ये रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मासी को मत दोहराना। या मेरे अल्लाह,